नमस्कार। विवाद विरोध में आज मैं ऐसे विरोध फिर आपके सामने रूबरू हूँ। आज एक सवाल है मन में बार बार उठ रहा है राज ठाकरे को लेकर। सचमुच राज ठाकरे का राज तो कोई राज ही जाने। अभी पिछले दिनों उन्होंने अयोध्या यात्रा जो 5 जून को करने की घोषणा उन्होंने की थी उसे स्थगित किया था और उन्होंने कहा था इसका कारण मैं रविवार तक विगत कल रविवार जो पुणे हुआ को पुणे की रैली में बताऊंगा। प्रतीक्षा थी वैसा कौन सा कारण है जिसके कारण उन्होंने अयोध्या की यात्रा स्थगित कर दी। कारण बताया उन्होंने हास्यास्पद कारण। क्या कहा कि मनसे के कार्यकर्ताओं को कानूनी पचड़े में फंसाने की साजिश थी। अब कोई यह पूछे कि मनसे के कार्यकर्ताओं को कानूनी पचड़े में फंसाने की साजिश का उनकी अयोध्या यात्रा से क्या लेना देना है। अयोध्या यात्रा 15 दिनों के बाद 5 जून के लिए घोषणा की थी उन्होंने। वहां कोई मनसे कार्यकर्ता है नहीं, मनसे का कोई आधार वहां पर है नहीं यूपी में, तो फिर ये मनसे कार्यकर्ताओं को फंसाने क्या सोचते। परंतु ज्या प्रकारचं माहोल तिकडे उभं केलं जात होतं, मी उद्या तिथे समजा हट्टाने जायचं असं समजा ठरवलं असतं। मला माहिती आहे की आपल्या पक्षामधले हजारो आपले महाराष्ट्र सैनिक, महाराष्ट्रातनं असे अनेक असे माझे अनेक हिंदू बांधव हे तिकडे अयोध्येला आले असते। आणि तिथे जर काही झालं असतं तर आपली पोरं तर गेली असती अंगावर। तुमच्यावरती केसेस टाकल्या गेल्या असत्या, तुम्हाला जेलमध्ये सडवलं गेलं असतं आणि हकनाक काही कारण नसताना तुमच्यावरती अनेक केसेस आणि जेलमध्ये जाणं आणि त्या केसेस परत तिकडे चालवणं आणि तो ससेमीरा जेव्हा तुमच्या पाठीशी लावला असताना, हे इथे बाळा नांदगावकर बसलेत, नितीन सरदेसाई बसलेत, मी ह्यांच्याशी बोलत होतो, मी म्हटलं ही म्हटलं मी आपली पोरं म्हटलं मी हकनाक घालवणार नाही अशी। आणि मग बरोबर त्यावेळेला अनेक प्रमुख सगळे पदाधिकारी त्यावेळेला तिकडे बरोबर येणार होतेच। या सगळ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवरती तुमच्यावरती सगळ्यांवरती तिकडे केसेस टाकल्या गेल्या असत्या आणि ऐन निवडणुकीच्या वेळेला त्या सगळ्या गोष्टी लावल्या असत्या आणि निवडणुकीच्या वेळेला इकडे कोणीच नसतं। हा सगळा ट्रॅप होता। एक कोणतरी खासदार उठतो आणि तिकडच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देतो, शक्य आहे का? या सगळ्या अनेक गोष्टींना अनेक पापुत्र आहेत। मला काही अनेक असे काही पापुत्र आहेत मला तुम्हाला सांगता पण येणार नाही, मला काही बोलता पण येणार नाहीत। पण ही माझी महाराष्ट्रातली ताकद हकनाक तिकडे सापडली असती ती मला सापडून द्यायची नव्हती। मी म्हटलं जात नाही, म्हटल्यानंतर 4 शिव्या खायला पण मी तयार आहे। माझ्यावरती टीका होणार असेल तर टीका पण सहन करायला तयार आहे, पोरं नाही अडकू देणार मी। आत्ता जाग आली या सगळ्या गोष्टी की राज ठाकरेंनी माफी मागावी वगैरे, जवळपास 12-14 वर्षानंतर आठवण झाली। तेव्हा कुठे होती सगळी माणसं? ये बड़े प्रसिद्ध साफ है कि राज ठाकरे के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई कार्यक्रम है और न कोई वैसी रणनीति है जिस पर चलकर वे पुनः अपने को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित कर सकते हैं। बेचैन है वो, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब अथाह सागर है। इस बात को राज ठाकरे को समझना चाहिए। ध्यान रहे उनकी अयोध्या यात्रा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने। उन्होंने साफ कहा था, जिस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं, कि पहले वे
उत्तर भारतीयों से माफी मांगे तब अयोध्या में। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे के मन में कितनी दुर्भावना है, बल्कि उन्होंने जो राजनीति की जो शुरुआत की थी वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाकर किया था। इस पार्श्व में भाजपा सांसद के चेतावनी को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित किया और अब कहते हैं कि मनसे कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश थी, पुणे की रैली में घोषणा की। यह बिल्कुल विचित्र बात है, इसका कोई खरीदार नहीं मिलने वाला है। और सबसे जो आपत्तिजनक बात उन्होंने की अपने रैली में, पुणे की रैली में करते हुए, हिंदुत्व की बात फिर उन्होंने सुन ली और उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक अवसर पर कहा था भाजपा को वो नकली हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, असली हिंदुत्व तो शिवसेना करती है। अब इस पर आक्रमण करते हुए राज ठाकरे ने हिंदुत्व की तुलना डिटर्जेंट पाउडर से कर दी। काय चाल पोरकटपणा चालू है, मला काही कळतच नाही। आमचं खरं हिंदुत्व, ह्यांचं खोटं हिंदुत्व। चला वॉशिंग पावडर विकताय का तुम्ही? तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से सफेद कैसी? प्रश्न असा आहे ना कि खरं हिंदुत्व काय आहे, याचे रिझल्ट्स पाहिजेत लोकांना, हिंदूंना त्याचे रिझल्ट्स पाहिजेत जे आम्ही देतो। महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाला आम्ही रिझल्ट्स देतो। शर्माणी चाहिए उन्हें, अगर उनके पास शब्द नहीं है, उनके पास संदर्भ नहीं है तो कृपया मौन रहें, हिंदुत्व का अपमान न करें। इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा राज ठाकरे साहब, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आप हिंदुत्व के नाम पर जो एक होवा खड़ा करके अपने को राजनीति में पुनः लाना चाहते हैं, उसके लिए आप सचमुच पहले असली हिंदू बनिए। और असली हिंदू हिंदुत्व के साथ राजनीति नहीं करता है, वो हिंदू हिंदू के नाम पर राजनीति करने वाले कहीं सार्वजनिक स्तर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की चर्चा करते हैं या कहीं रामायण का पाठ करने की चर्चा करते हैं, वो हिंदुत्व नहीं है। इसलिए राज ठाकरे साहब पहले आप लोगों के दिल में इस बात को बैठाइए कि आप विशुद्ध ईमानदारी के साथ हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए राजनीति करेंगे, न कि हिंदुत्व को राजनीति का एक प्यादा बना दें, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही मनसे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रची गई थी, ध्यान रखें अभी मनसे का वैसा कोई भी प्रभाव महाराष्ट्र में या मुंबई में नहीं है जिससे बेचैन होकर के आपकी विरोधी, चाहे वो शिवसेना हो या अन्य कोई हो, आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रचेगा। चूंकि उनसे कोई चुनौती है नहीं, कोई भय है ही नहीं आपके कार्यकर्ताओं से, न तो सत्ता पक्ष को है न किसी और को है, लेकिन आपका इशारा चुकी महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना की ओर था। आप इस बात को समझ लीजिए कि चूंकि आप ठाकरे परिवार से आते हैं, आपकी पहचान वहीं तक सीमित है, आपकी राजनीति की कोई अपनी पहचान नहीं है, कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इसलिए मातोश्री या शिवसेना आपसे या आपके कार्यकर्ताओं से कभी भयभीत होने वाले नहीं। मैंने कहा कि आप शब्दों पर ध्यान नहीं देते, कुछ कर कुछ बोल देते हैं, उनका और उसी में आपने जब यह कह दिया कि मातोश्री कोई मस्जिद है क्या, शर्मानी चाहिए। आपने उस संदर्भ में कहा जा नवनीत राणा ने घोषणा की थी कि वो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, उस संदर्भ आपने कही, लेकिन आपने मातोश्री की
टूटला मस्जिद से कर दी। आप इस तरह के बयानबाजी से बचिए, अन्यथा आपकी जो ये कोशिश है कि अपने कथित प्रभाव के आलोक में भाजपा को आकर्षित कर भाजपा में कोई स्थान पा जाएंगे या उनका पूरा समर्थन आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी का सागर है, उसमें कई मछलियां मगर मच गई हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, वो आती है जाती है तैरती है चली जाती है। एक राज ठाकरे के लिए भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में सफलतापूर्वक पिछले 8 वर्षों से शासन पर है, कई राज्यों में लगभग सभी राज्यों में कुछ गिने चुने 2-3 राज्यों को छोड़ दिए तो आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और आज के दिन यह कहा जा सकता है, कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ कहेगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, सरकार केंद्र में पुनः उन्हें मिलेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उसी एक राज ठाकरे की परवाह कभी नहीं होगी, उन्हें जरूरत ही नहीं है। राज ठाकरे अपनी हैसियत को, अपनी औकात को पहचान कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, नहीं तो जो उनकी एक सीमा थी मुंबई जहां वो राजनीति करते थे, उस मुंबई में भी वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, गलियों में चल नहीं पाएंगे। मुंबई के चरित्र से राज ठाकरे अच्छी तरह परिचित है, इसलिए वो स्वयं बरते और जो उन्होंने एक कारण बताया जो अयोध्या यात्रा का, उसका कोई चूंकि खरीदार नहीं है, आप देश की जनता को महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ नहीं समझें, आप अपनी राजनीति कीजिए, चूंकि आपको वही और दूसरा कोई काम आप कर नहीं सकते, आपको राजनीति कीजिए ईमानदारी से स्वच्छता के साथ, आप केंद्रित कीजिए मुंबई में अपने को और मुंबई कर और महाराष्ट्र के लोगों को यह आश्वस्त कीजिए कि आप उनके हित में, प्रदेश के हित में आप राजनीतिक कदम उठाएंगे, न कि किसी निजी स्वार्थवश निज हित में कदम उठाएंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। और अगर आप संशोधन नहीं करते हैं अपने आचरण में, अपने शब्दों में, तो आज आप इस बात को नोट कर लीजिए श्रीमान राज ठाकरे साहब, आपको मुंबई में या महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक जमीन मिलने वाली नहीं है। धन्यवाद।